पावत है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्याद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। साधु से मतलब इस वाक्य में ये नहीं है कि जो आदमी गैरवे वस्त्र धारता है केसरी वस्त्र धारता है वही साधु है, जो आदमी भी समाज के लिए अच्छा काम करता है उसी को साधु मानते हैं। अब इतने कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंटरनल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स, चाक भात मैट्रिमोनियल, A1 बैंक्वेट, वर्धमान ज्वेलर्स। मैं विनोद सिंगल, प्रधान श्री रामकिशन मंदिर रथवाला। जैसा कि आपने जानना चाहा है के मंदिर के बारे में, मंदिर जो है किसी बिल्डिंग से या मूर्ति स्थापना से नहीं है। यहाँ पर दिन प्रतिदिन इतने भगत आते जा रहे हैं कि सारे अखबारों में और मीडिया में चर्चा है कि ये कोई ज़्यादा आस्था का केंद्र बन गया है, उसकी वजह से दिन ब दिन भगत बढ़ते जा रहे हैं। और दूसरा एक कहावत है, एक घड़ी आधी से पुण्याद तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। साधु से मतलब इस वाक्य में ये नहीं है कि जो आदमी गैरवे वस्त्र धारता है केसरी वस्त्र धारता है वही साधु है, जो आदमी भी समाज के लिए अच्छा काम करता है उसी को साधु मानते हैं। अब इतने यहाँ पर इतने भगत आते हैं, ये सब साधु हैं जो मन से तन से धन से सब लगे हुए हैं। कई सज्जन पूछते हैं कि हम लेट हो गए, तो लेट हो गए को उसका कोई मैटर नहीं है, हमारे यहाँ ठीक 8 बजे हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाता है और 9:15 बजे आरती होती है। अगर आप 9 बजे भी आए तो बाबा का उतना ही आशीर्वाद मिलेगा जितना कि 8 बजे वाले को है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप 9:15 बजे आए, अगर आपकी मजबूरी है, नहीं तो आप कोशिश करेंगे 8 बजे आए। जैसा कि आपने पूछा है मंदिर के बारे में या हनुमान चालीसा का पाठ, तो अभी 3 महीने से हर मंगलवार को हो रहा है, लेकिन इससे पहले हर मंगलवार और हर शनिवार को हमारी महिला मंडल द्वारा सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है, उसके बाद प्रसाद बढ़ता है। और उसके अलावा आपका मंदिर रथवाला मंदिर, जिसके सब भाई तन मन धन से सेव करते हैं, इसके अंदर कई सेवाएं चलती हैं, जैसे कि जहाँ तक आपने पूछा है कैसा लग रहा है, तो आप भी हैं 3 हफ्ते से, तो आप भी आ रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा कि इतने सामूहिक रूप से 250-250 लोगों के साथ मिलकर जब हम पाठ करते हैं तो एक अद्भुत अनुभूति होती है। और मैं सबसे पहले मंदिर के प्रधान और महिला जो समिति यहाँ की है उनके प्रधान रमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। सिर्फ एक बार कहने से इन्होंने भक्तों का ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए यहाँ पे हनुमान चालीसा का आयोजन किया। और पहले बार में सिर्फ 33 लोग थे, क्योंकि एक दिन पहले हमने योजना बनाई थी, सेम डे सुबह हमने 8 बजे बात की और शाम को 8 बजे ये कार्यक्रम कर लिया। और आज आप देख रहे हैं कि ये संख्या बढ़ के 200 से 250 पहुंच गई, और हर सरपति इस बार हो सकता है वो 300 की संख्या पार हो जाए, तो जितना भी कहा जाए उतना कम है। दूसरी बात, आपने पूछा कि इसका क्या आशय है और कैसा लग रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों में देखा होगा, आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि किसी भी मंत्र को अगर हम सामूहिक रूप से पढ़े या किसी भी धार्मिक कथा को हम सामूहिक रूप से सुने तो उसका एक अलग प्रभाव होता है, जो इससे झंकार निकल रही, जो इससे वाइब्रेशन निकलती है वो हमारे ब्रह्मांड में घूम के कहीं ना कहीं जिस भगवान से हम स्तुति कर रहे होते हैं उन तक पहुँचती है और हमारी भावनाओं को पूर्ण करते हैं, हमारी इच्छाओं को। ये सबसे बड़ा कारण है। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम, राज की जय, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, पर नौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार, बुद्ध हीन तनु जान के, सिमरो पवन कुमार, हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय तपेश देव लोक उजागर, राम दूत अतुलित,
ज्ञान पुत्र पवन सुत धामा महावीर विक्रम बजरंगे सुमति निवार सुमति के संगे कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हमारे राम जेसरा हमारे राम जेसराम राम कयो हनुमान हमारे राम जेसर गजा विराजे कांदे भूल जने शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप माधव बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे द्वार सिया राम लखन सीता मन बसिया हमारे राम राम कहियो हनुमान हमारे राम हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान हमारे राम जी से राम सूक्ष्म रूप दरसिया दिखावा विकट रूप दर लंग जरावा सीम रूप दर असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जिगाए श्री रघुवीर हर शूर लाए रघुपति की ने बहुत पढ़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई हमारे राम जी से कहियो हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान हमारे राम जी कहियो मन बोलो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो हमारे राम जी से राम राम कहियो हनुमान हमारे जुग पर ताप तुम्हारा है पर चेत जगत उजियारा साधु संत के सुमरत वारे असुर निकंदन राम द्वारे अष्ट से गिनावनी दिखे दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे भाषा सदा रघुपति के दासा हमारे राम जी से राम 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 तुम
भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंधकाल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त गाए और देवता चेतना धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलबीरा हमारे राम जी से मास 365 दिन यहाँ पर चाय प्रसाद चलता है। सवेरे चाय के साथ ब्रेड बिस्कुट ब्रेड पकौड़ा जैसा भी हो सबको दिया जाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी चलती है। फिजियोथेरेपी में बहुत नॉमिनल सा चार्ज लेके, वो भी इसलिए कि कोई फड़ेगा समझ के और रोज ना लगा रहे। उसके अलावा डिस्पेंसरी है जहाँ पर स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट जो है हमारे डॉक्टर साहब आते हैं, वो सेवा करते हैं, जिसकी एवरेज में हम वही नॉमिनल चार्ज 10 रुपए का चार्ज करते हैं। वो भी इसलिए कि कोई फ्री में दवाई ले जाके और अंदर से ले जाए और बाहर ना फेंक दे। ये सब होने के अलावा और भी मंदिर इस कार्य के लिए आगे रहता है। कोई जरूरतमंद आ जाए किसी तरह का भी तो उस पर हम विचार करके और उसकी सेवा करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि हमारा रथ वाला मंदिर हमेशा से ही सबसे ऊपर रहा है। पीतमपुरा शालीमार रोहिणी के अंदर ये कभी कमजोर नहीं रहा है। रहा मेरा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं हूँ, यहाँ जितने भी भगत दर्शन करने के लिए आते हैं सारे ही भगत हमारे प्रधान हैं। वो जो भी सलाह देते हैं हमारी कार्यकारिणी उस पर विचार करती है और उसको लागू करने की कोशिश करती है। मैं यहाँ पे 22 साल से जुड़ी हूँ। सबसे पहले मैं 22 साल पहले इस मंदिर में आई थी। उसके बाद मैं कहीं भी रहूँ, पीतमपुरा से दूर कहीं भी निवास हो, हर जन्माष्टमी में यहीं आती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, आप भी आमंत्रित होंगे इस बार, इतना भव्य और इतना अच्छा होता है।
कि देखने लायक होता है, उसका वर्णन मैं बोल के नहीं कर सकती, वो देखने पे ही पता चलेगा। संदेश देखिए यही है कि जो परिस्थितियां चल रही है, हमारी जो नई पीढ़ी है अपने संस्कारों को भूलती जा रही है, और ये हनुमान चालीसा शुरू करके अपने परिवार और बच्चों के साथ आमंत्रित करने का एक और भी कारण है कि हमारे बच्चों में, हमारी जो अगली पीढ़ी है उसमें हमारे जो हमारा जो संस्कार है वो स्थानांतरित हो और बच्चों में यही संस्कार आ जाए, और यही कारण इसका सबसे बड़ा है। अगर मैं सच बोलूं तो मैं रेगुलर 4 या 5 साल से जुड़ा हूं। मैं मंदिर साल में एक दो बार ही आता था, लेकिन मेरे जो साथी है यहाँ विनोद जी स्पेशली, 4 साढ़े 4 साल पहले उन्होंने मेरे घर एक चिट्ठी भेजी थी, गुप्ता जी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ये चिट्ठी पे साइन कर दो। तो वो चिट्ठी थी मुझे मैनेजमेंट कमेटी में रखने की, तो मैंने इनके जैसे इन्होंने कहा इनका हुक्म बजाते हुए मैंने उस पर साइन किए थे, तब से मैं इनकी कमेटी में हूँ। इस समय जो मेरा स्टेटस है, इन्होंने मुझे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना रखा है, पर मैं एक फील करता हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को छोड़ दो, मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ। जो भी कभी काम मिलता दिया जाता है मुझे, तो मैं कहता हूँ ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, तो मैं मंदिर के लिए या जो आते हैं या भगत जन उन्हें कुछ करने में क्षमता रखता हूँ, तो मुझे बहुत अत्यंत खुशी होती है। अब ये जो मंदिर है, मैं भी 40-40 साल से पीतमपुरा में रह रहा हूँ, और शुरू से यही एक मंदिर आया था, मंदिर के और भी आए, मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मंदिर इतने आए हैं, लेकिन जो रथ वाला मंदिर है, जो इसकी लीडरशिप है, जो विनोद जी की अध्यक्षता में ये काम चल रहा है, वो मार्वलस है। मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है उसको अप्रिशिएट करने के लिए। अब नहीं, ये मंदिर की जो एक्चुअल वर्किंग की बात, ये जो आजकल चल रहा हनुमान चालीसा का पाठ, हमारी मैनेजमेंट कमेटी ने जो फैसला किया था, ये पहले क्या होता था, मंदिर हर ट्यूजडे पाठ नहीं होता था, ये अभी शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जितने भी सनातनी हैं, हमें हिंदू हैं, हमें एकजुट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक तो चांस मिला, एक ताकत मिल रही है। जिस दिन पहली बार ये हुआ था हनुमान चालीसा, तो मैं फील करता हूँ पूरा हॉल नहीं भरा हुआ था, लेकिन आज ये हालात हो गए हैं कि लोग बाहर आके खड़े होते हैं, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सनातनी, हमारे हिंदू हैं, मंदिर के साथ जुड़ रहे हैं। और ये जो हनुमान चालीसा, जिसमें जो हमारा महिला मंडल है जो अपने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है, वो भी इसमें योगदान कर रहे हैं, और हमारे बाकी भी जितने साथी हैं, कमेटी के मेंबर हैं, वो सारे के सारे बहुत ही योगदान कर रहे हैं। थैंक यू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंटरनल सॉल्यूशन, आराम्या ज्वेलर्स, चाक भात मैट्रिमोनियल, A1 बैंक्वेट, वर्धमान ज्वेलर्स।